अब हम जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। हमें डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन जाना, अब हम रिलेटिव प्रोनाउन को जानेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन आप समझ, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, आप समझ गए हो, दो शब्दों को जोड़ना, क्लॉज लाज पढ़े हो ना, क्लॉज भी होता है दो शब्दों को जोड़ना, तो ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन होता है, मतलब दो शब्दों को जोड़ना, जो शब्द से जोड़ा जाएगा दो शब्द से उसे हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिश्तेदार जानते हो, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, शब्द जोड़ा जाता है ना, कहता है ये मेहमान है, ये है मौसा है, ये सब, तो दो शब्द दो सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस को जोड़ना ही क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। और कुछ शब्द हो गए उनसे हम जोड़ेंगे, ठीक है। वो शब्द देखिए क्या क्या हो सकते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस प्रोनाउन यूज टू डिस्क्राइब द प्रीसीडिंग वर्ड इन द फर्दर सेंटेंस, ठीक है। ये क्या होगा, दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, मतलब सेंटेंस को जोड़ेंगे, कुछ शब्द होंगे उनको हम जोड़ेंगे, किससे किससे जोड़ेंगे, हिंदी में देखिए, वो वर्ड जो अपने से पहले आने शब्दों को बचे हुए वाक्यों को वर्ड, ठीक है, करे वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। मतलब आपने आने से पहले कौन कौन से, हुम से जोड़ा जाएगा, होम से जोड़ा जाएगा, विच से जोड़ा जाएगा, विच एवर से, होम ओवर से, दैट से, इन सब से जोड़ा जाएगा सेंटेंस में। हम एग्जांपल में इसे समझेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा, ठीक है। मतलब दो सेंटेंस में जोड़ना ही, मतलब एक सेंटेंस को जोड़ना, किसी शब्द से जोड़ना ही क्या कहलाएगा हमारा, ठीक है, हमारा क्या कहेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। जब भी दो सेंटेंस रहेंगे, दो सेंटेंस को एक शब्द से जोड़ा जाएगा तो हमारे क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। समझ गए ना, रिलेटिव प्रोनाउन रिश्तेदार देखते हो ना, ये हमारे मुंह से है, रिलेटिव मतलब जोड़ना, सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया, रिलेटिव रिश्तेदार होते हैं तो उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्लॉज की तरह होते हैं एकदम, मतलब दो सेंटेंस रहेगा उन्हें एक शब्द से जोड़ा जाएगा। समझ गए ना, होम होम विच विच एवर होम एवर दैट, इन सबसे हम जोड़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। देखिए हुक हु किससे जोड़ा जाएगा, जहां पीपल लोगों को दर्शाया जाएगा वहां हु से जोड़ा जाएगा, चीजें से कहा जोड़ा जाएगा, कुछ चीजें के निजो चीजें से, विच से जोड़ा जाएगा, हु लोगों से, मनुष्यों से, विच किसे, थिंग से, होम पीपल ऑब्जेक्ट पोजिशन, जहां पीपल रहेगा पीपल भी रहेंगे वहां क्या होम से जोड़ा जाएगा, पोजिशन के लिए हु से जोड़ा जाएगा, वेयर किससे जोड़ा जाएगा, जहां प्लेस की होगा, टाइम की जहां बात करेगा फ्रेंड से जोड़ा जाएगा, पीपल एंड थिंग जहां मनुष्य और चीजें होंगी वहां पे आप इसे डायरेक्ट से जोड़ेंगे। समझ गए ना, एक बार फिर से देख लीजिए, हु कहां से जोड़ा जाएगा, जहां लोगों की बात की जाएगी वहां हु से जोड़ा जाएगा, विच कहां जोड़ा जाएगा, जहां चीजों की बात होगी निजी चीजों की, हुम कहां जाएगा, पीपल ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन, जहां प्रीपोजिशन होगा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है पीपल होगा, हुज किससे होगा, जहां पोजिशन होगा, वेयर किससे जोड़ा जाएगा, जहां प्लेस होगा, व्हेन कहां होगा, जहां टाइम होगा वहां व्हेन से वाक्य जोड़ा जाएगा, जहां पीपल एंड थिंग्स दोनों होंगे वहां पे किसे जोड़े जाएंगे, डायरेक्ट से जोड़े जाएंगे। अब हम इन एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, इधर देखिएगा, द पर्सन हु वन द रेस ट्रेंड हार्ड, जिसे रेस में जिसने जीता तो उसे बहुत ट्रेंड किया गया था, हार्ड ट्रेंड किया था, मतलब बहुत बढ़िया किया था, तो इसे किससे जोड़ा गया था, हु से जोड़ा गया है, तो हमारा ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, याद रखिएगा, ठीक है। द शर्ट दैट आई बॉट स्टार्टेड स्टैंड, जो मैंने ठीक है शर्ट खरीदा था लास्ट, ठीक है द शर्ट दैट आई बॉट स्टार्टेड स्टैंड, इसमें क्या है, इसमें आपका दैट से जोड़ा गया है, ठीक है, दैट मैंने बताया था पीपल एंड थिंग्स, ठीक है चीज के लिए, तो इसमें चीज का प्रयोग कर रहा है तो सर का प्रयोग करेगा। दिस इज ए बॉय हु इज ए माय फ्रेंड, यह वही लड़का है ठीक है जो कि मेरा दोस्त है, हु का मतलब क्या निकला, जो कि मेरा दोस्त है, तो इसमें किससे जोड़ा गया है, हु से जोड़ा गया है सेंटेंस को, याद रखिएगा। दिस इज द हाउस, ठीक है यह वही घर है, दिस इज द हाउस यह वही घर है, वेयर आई लिव्ड व्हेन आई वाज चाइल्ड, यह वही घर है जब मैं रहता था, जब मैं बच्चा था, तो इससे किससे जोड़ा गया है बताइए, ठीक है इसमें जोड़ा गया है देन से, ठीक है याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, वह वही घर है जहां मैं बचपन में रहता था, इसमें किससे जोड़ा गया, देन से जोड़ा गया, इट विल ऑलवेज रिमेम्बर द डे व्हेन वी मीट, ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा जब हम मिलेंगे, देखिए इट विल ऑलवेज रिमेम्बर द डे व्हेन वी मीट, यह दिन हमेशा याद रहेगा जब हम मिलेंगे, तो इससे किससे जोड़ा गया है सेंटेंस को, इट देखे इट विल ऑलवेज रिमेंबर द डे व्हेन वी मीट, तो इससे किससे जोड़ा गया, व्हेन से जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें किसका बता रहा, समय बता रहा है ना, देखिए भैया जहाँ पीपल की बात होगी, लोगों की बात होगी वहाँ हम हु से जोड़ देंगे, जहाँ चीजों की बात होगी वहाँ हम बीच से जोड़ देंगे, जहाँ ऑब्जेक्ट पीपल और प्रीपोजिशन की बात होगी वहाँ हु से जोड़ेंगे, पोजिशन की बात होगी
तो भूत से जोड़ेंगे, और प्लेस जगह की बात होगी तो बेयर से जोड़ेंगे, टाइम की बात होगी तो वेन का प्रयोग करेंगे, वेन से जोड़ेंगे पीपल एंड थिंग्स, मतलब लोगों और चीजों की बात की जाएगी तो आप इसे जोड़ेंगे डैट से जोड़ेंगे, याद रखिएगा। तो इस सेंटेंस में आपको पता ही चल रहा है इट विल ऑलवेज रिमेंबर द डे व्हेन वी मीट, इसमें समय का बात कर रहा है, तो व्हेन क्या हो गया आपका, व्हेन आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, याद रखिएगा। लुक एट द कार, कार को देखो, दैट आई बॉट यस्टरडे, इस कार को देखो जो कि मैं पिछली रात में खरीदा था, तो इसमें देखिए क्या, लुक एट द कार दैट आई बॉट, ठीक है, दैट डैट से जोड़ा गया, डैट क्या होगा पीपल और थिंग्स, ठीक है, देखो यहाँ आदमी की भी बात कर रहा है और चीज की भी बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा डैट आपका क्या होगा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इस सेंटेंस को आपने समझ लिया, मतलब जो भी शब्द जोड़े जाएंगे, पीपल से जोड़े जाएंगे तो हु का प्रयोग करेगा, चीजों से जोड़े जाएंगे तो विच का प्रयोग करेगा, और प्लेस का मतलब जहां जगह की बात करेगी तो वहां वेयर का प्रयोग किया जाएगा, और टाइम का प्रयोग करेगा तो वेन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये लिखिए निशा द म्यूजिशियन हु, ठीक है, यहाँ देखिए सॉरी गलत हो गया, द म्यूजिशियन हु रोड, ठीक है, दिस सॉन्ग फ्रेंच, जो म्यूजिशियन था संगीतकार था इसको फ्रेंच भाषा में लिखा था, तो इसमें किस सेंटेंस से जोड़ा गया, देखिए इससे किससे जोड़ा गया, हु से जोड़ा गया, तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा हु होगा, याद रखिएगा। 12 सितंबर इज द डेट दैट आई वाज बॉर्न, 12 सितंबर वह डेट है जो दिन हम जन्म लिए थे, तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, देखिए इसमें डैट से जोड़ा गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा हमारा डैट होगा, ये चीज याद रखिएगा। This is the man who broke the window. वह वही आदमी है जो खिड़की तोड़ा था, तो इसे किससे जोड़ा गया, who से जोड़ा गया है, याद रखिएगा। Relative pronoun मिला ना, मतलब whom, whom, which, whichever, whomever, that, ये सब क्या होंगे हमारे relative pronoun होंगे, याद रखिएगा। डालना है ये बताया, this is the man who broke the window, वह वही आदमी है जो मेरी खिड़की तोड़ा था, ठीक है, तो इसमें हु का अर्थ कौन निकला, जो की निकला था, ठीक है। द लैंप दैट वाज द रूम वाज ब्रोकन, जो लैंप है रूम में जो कमरे में लैंप है वो टूट गया, ठीक है, तो इसमें किससे जोड़ा गया है, दैट वाज द रूम वाज ब्रोकन द लैंप, ठीक है, इससे किससे जोड़ा गया था, दैट से जोड़ा गया था, आप लोगों ने समझा ना, ठीक है। हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिश्तेदार, मतलब दो सेंटेंसों को जोड़ना, किसी शब्द से जोड़ा जाएगा तो उन्हें हम उनसे क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। कौन कौन से हैं, आपने मैंने यहाँ लिख दिया कि किससे किससे जुटेगा, जहां समय की बात करेगा वहां व्यय से जुटेगा, जहां जगह की बात करेगा प्लेयर से जुटेगा, ठीक है, विच जहां कोई चीज की बात करेगा जहां वो भी, ठीक है, वहां विच से जुटेगा, जहां ठीक है पोजीशन की बात करेगा वहां हुज का प्रयोग करेंगे, और जहां लोगों की बात करेगा हु का प्रयोग करेंगे। आपने सेंटेंस में अच्छे तरीके समझा होगा, मैंने 10 एग्जांपल ले लिए, ठीक है, आई होप आपको, ठीक है, पहले मैं आपको दिवाली को हार्दिक शुभकामनाएं, ये वीडियो जो है दीपावली को आएगी, क्योंकि दीपावली को आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस दीपावली, ठीक है, अपने अंदर जो भी सारी कमियां हैं उनको खत्म करिएगा, जैसे ठीक है भगवान राम, ठीक है, वनवास काट के आते हैं वैसे ही आप अपने मन में प्रतिज्ञा करिएगा कि हम इस साल और मेहनत करेंगे और ठीक है अच्छे से अच्छे कठिन परिश्रम करेंगे, मतलब स्टडी में पूरा मन लगा लीजिए, ठीक है। आपको मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको आपके पूरे परिवार को इस दिवाली, ठीक है, पटाखे कम फोड़िएगा, ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषित मत करिएगा, एक दूसरे से मिलिएगा, ठीक है, जो भूखे होंगे मतलब जिनके पास दिवाली मनाने के पैसे नहीं होंगे, जो गरीब होंगे उनकी सहायता करिएगा, उनको भी मिठाइयां खिलाइएगा। ये दिवाली मायूसी भरी नहीं जानी चाहिए, मतलब हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। इस दिवाली हम संकल्प लेंगे कि कोई भी दिवाली से, दिवाली आने पर फेस्टिवल पर वो महसूस मत करे, ठीक है, कि मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान दिखे आप उनकी मदद करिएगा, ठीक है। इस दिवाली सबकी दिवाली होनी चाहिए, मतलब खुशियों की दिवाली होनी चाहिए। फिर से मैं आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।